Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here and today we are going to discuss a very important topic और वो है isoelectron ions. Chemistry for beginner series में जो previous topic है correlate करेगा ये. मैं आपको बता दूँ कि इस series में जो previous topic है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वाले topic को कर पाएंगे. मैं बता दूँ students आपको कि इस पूरी जो video में रहने वाला है topic, उसके लिए previously आपको क्या क्या चीज़ें पहले पता होनी चाहिए. टॉपिक का नाम क्या है आज का, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस, और इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट आपको जेड की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. एटॉमिक नंबर के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आयंस में दिया हुआ है, जैसे क्योंकि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस की बात हुई है, इट मीन आयंस दिए होंगे, तो आयंस पे जब प्लस चार्ज लगता है या नेगेटिव चार्ज लगता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए. उसके बाद आप फाइंड आउट कर पाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. प्रीवियस वीडियो में मैं ये सब करवा चुकी हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो कैसे आप जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट कर पाते हैं. ओके, तो आज का टॉपिक है, पहले समझते हैं ये होता क्या है. ये एक तरह के ऐसे आयंस होते हैं, मतलब यहाँ पे दो आयंस की कंपैरिजन फॉर्म में बात की होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव एंड ऑक्सीजन टू नेगेटिव, इन दो आयंस की यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन हैं. किस बेसिस पे कहा जाता है आयंस, ऐसे आयंस होते हैं या फिर कई बार एटम की बात भी कर दी जाती है. जैसे अगर मैं बात करूँ इनके साथ तीसरी एटम नियॉन की, मैं चार्ज इस पे कोई नहीं लगा रही हूँ, न्यूट्रल है. ठीक है, ऐसे आयन या एटम जिनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में सेम होगा. तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, चलिए मैं इसी से आपको समझाती हूँ. पहले मैंने यहाँ पे बात की फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन टू नेगेटिव एंड नियॉन एटम के. अब स्टूडेंट्स इसमें चलिए आप भी खुद कैलकुलेट कीजिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या निकालना है, इसकी निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ एक जो एमसीक्यूज हमने केमिस्ट्री डेली केमिस्ट्री एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं. ओके, तो देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना स्टूडेंट्स, 9 होता है, पर यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, इट मींस एक नेगेटिव चार्ज और है. अगर इसके पास ऑलरेडी कितने 9 इलेक्ट्रॉन थे प्लस एक माइनस का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट इसमें, 10 हो गए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p6 आ जाएगी. ठीक है, सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पर है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है इसमें आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और दो चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं माइनस के, मतलब प्लस इसमें दो इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, 10 हो गए. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ऐसी आ जाएगी, 2s2 2p6. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए. नियॉन का तो एटॉमिक नंबर 10 ही होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन है. चलिए और एग्जांपल मैं आपको करने के लिए देती हूँ. चलिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्लोरीन नेगेटिव और ऑर्गन. तो आप देखेंगे इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स कितना होता है, 17 होता है, एक चार्ज लगा हुआ है माइनस का, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे. ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, नोबल गैस ये है, न्यूट्रल होती है, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी सेम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अगर, तो क्रिप्टॉन एंड मैंने दे दिया आपको सल्फ़र टू नेगेटिव. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं सल्फ़र, आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे इसको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p6 आ जाएगी, फिर 3s2 आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, 3d10 एंड आफ्टर दिस 4p6 आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट अगर करेंगे यहाँ पे d10
ठीक है। ये जो होता है ना स्टूडेंट, एस पी डी और एफ, इनमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। अगर स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालने आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे था 6, ठीक है। अब हम यहाँ सल्फ़र 2 नेगेटिव के लिए अगर निकालेंगे, ठीक है, सल्फ़र 2 नेगेटिव के लिए, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो अब बताइए, इन दोनों को बताइए, क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्या आपस में ये आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस हैं? नो, क्योंकि इनकी आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि डिफरेंट है। मतलब आपको पेपर में देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के कि सेम आ रही है नहीं। आपको सेम भी पूछा जा सकता है, ऑड वन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे ये एमसीक्यू डिफरेंट वाला कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको बना के देती हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जैसे पूछ लिया सल्फर टू नेगेटिव इज़ आइसो इलेक्ट्रॉन आयन विद, ठीक है, विद दे दिया, और ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दे रखी है। इसमें से यहाँ पे दे दिया एक आपको बेरियम नेगेटिव दे दिया, क्रिप्टॉन दे दिया, साथ में दे दिया क्लोरीन नेगेटिव दे दिया और नियॉन नहीं, यहाँ पे मैं नन ऑफ दीज लिख रही हूँ। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी आयन जो है वो मैच नहीं करेगा इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ को घुमा के भी डाल सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट करिए और बताइए, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है और अगर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, क्या ये आपस में दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन हैं? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तब भी आपका जो है वो इस आंसर आ जाएगा। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अब चार्ज दिया हुआ है प्लस का, ठीक है, प्लस का दिया हुआ है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर माइनस होता तो 3 ऐड हुए होते, तो -3 कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें है 10, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगा हुआ है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं। -2 यहाँ पे कर लेंगे हम, 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जैसे कि एल्युमिनियम मैंने कहा 3 पॉजिटिव है, मान लो मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल ले रही हूँ, और मैं एक ले रही हूँ यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाए और आपको बोला हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो एल्युमिनियम का पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 13 होता है, फिर चार्ज देखना है उसका। चार्ज अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे उल्टा कर देना, -3 कर देने आपने और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। मतलब क्या होता है डिटेल में अगर थोड़ा सा मैं लूँ, जैसे मान लो एल्युमिनियम में नॉर्मली आपको पता है कि 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इसने शेयरिंग नहीं की होती, 13 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं जब तक शेयरिंग नहीं की होती, जितना एटॉमिक नंबर। बट अब चार्ज कब आता है, जब शेयरिंग की होती है, एल्युमिनियम से बन गया ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब कि इसमें से क्या हो गए, अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो प्रोटॉन तो 13 ही है, ठीक है, प्रोटॉन 13 ही है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, और 13 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, ठीक है, तो 3 प्लस वाले चार्ज एक्स्ट्रा हैं, इसलिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ गए स्टूडेंट्स, ये इसके पीछे का फंडा होता है जो कि सिंपल सा है, बस समझने की बात है, ओके। मैं ये प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको समझा भी चुकी हूँ कि कैसे चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन आयन ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पोटाशियम पॉजिटिव एंड
कैल्शियम टू पॉजिटिव। अब इसमें अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो या सिंपली आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो सॉरी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट 19, पॉजिटिव चार्ज लगाए मतलब 18 हो जाएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी मैं लिखूँ तो 1s2, 2s2, 2p6 और इसके बाद आ जाएगा 2p6, 3s2 एंड 3p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। कैल्शियम की अगर मैं लिखती हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये मैंने आयन के लिए लिखा स्टूडेंट, जो आयन थे ये उनके लिए लिखा मैंने ये, ठीक है। अगर यहाँ पे पोटाशियम की जगह पोटाशियम पॉजिटिव की जगह सिंपल पोटाशियम होता तो यहाँ पे क्या होना था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करनी थी। आयन्स के लिए मैंने लिखा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने हैं, 18, ठीक है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, 2, 2, 4, 6, 10 हो गए 12, एंड यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे +6 18, तो 18 यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है। वैसे ही आयनिक फॉर्म में जो कैल्शियम पॉजिटिव दिया हुआ है मतलब कैल्शियम टू पॉजिटिव यहाँ पे है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 20 वैसे, लेकिन टू पॉजिटिव है मैंने आपको बताया कि 20 में से 2 चार्ज प्लस वाले हैं, आपने उल्टा कर देना, 2 माइनस कर देना, 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करना है और इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये आइसोइलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 6 आज का। पार्ट 5 तक भी आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, कंटिन्यू ये रहेगा आगे। पार्ट 6 में हम दूसरा कोई टॉपिक करेंगे। बिगिनर्स ये सीरीज़ है, इसका नाम क्या है, केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, मतलब जिनकी केमिस्ट्री बहुत वीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट उनको जो सीखना चाहिए वो मैं सिखाती हूँ, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट आपको बड़े टॉपिक्स को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम करने वाले हैं जैसे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स जो आपका ग्रुप्स होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको इनमें सुफिक्स प्रीफिक्स कैसे लगता है और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये होगा। एंड वन मोर थिंग, हमारा जो कोर्स है वो भी अभी रनिंग है, आप लोग अगर एनरोल करना चाहते तो HP TET मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल दोनों के लिए आप एनरोल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और HP TET के लिए बायोलॉजी के लिए भी स्टूडेंट बहुत जल्दी सीरीज़ आने वाली है, जो लास्ट टाइम हमने किया था एक सीरीज़ उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, वैसे ही सीरीज़ रहेगी। और मिलते हैं आप हम नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।